हम बात करने वाले हैं IOCL के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को डेट दे दी गई है, तो यहाँ पे एक शोर इंश्योर कर लीजिएगा, 21 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट है, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, और आपकी कैटेगरी में जो भी हो गए SC ST और OBC डिसेबिलिटी EWS कोई भी कैटेगरी आपकी है उसका आपको मतलब कि आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 12th की वो मार्कशीट होनी चाहिए, या ITI किया तो ITI की, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट, उसके साथ में जो भी अदर कोर्स किया आपने जैसे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल ऑपरेटर, ठीक है, उसके साथ ये सब सब चीज़ की होनी चाहिए। 2 आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो कापी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ये सबकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए, और सारी जितनी डॉक्यूमेंट है सबकी फ़ोटो कापी, उसके साथ में चाहे पैन कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे आधार कार्ड, चाहे वोटर ID, बैंक पासबुक, किसी भी चीज़ की आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और जो आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपका हुआ है आपके पास जो रिजल्ट उसका प्रिंट आउट होना चाहिए साथ में। और उसके बाद से आपको मेडिकल के लिए आपको 2-3 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, उसका आपको अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनफिट होते हैं तो आपको जो है वो चेक कर देंगे, और ये आप लोगों को 21 तारीख के पहले ही पहले कर लेना है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, ठीक है। उसके बाद से मेडिकल का आप लोगों का जो प्रोसेस शुरू